सर इसको तुरंत ओटी ले चलो। नहीं पिएगा ना, हम तो पिएगा। अरे ज्यादा हल्ला मत करो ना, पुलिस आएगा ना, कुछ भी तो पी सकता है। पुलिस 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 को तो हम लोग पुलिस दोस्त Dos, bye, dos,
पिस्तौल पकड़ के कोई भी दादा दिखा सकता है, हिम्मत है तो पे के दिखा। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ आ रहा है, आ रहा है। डॉक्टर साहब पिछला भी कैसा है? देखिए डिलीवरी तो सक्सेसफुली हो चुका है, फिर भी ज्यादा खून बहने का कारण माँ का कंडीशन थोड़ा नाजुक है, उसको ब्लड ट्रांसमिशन देना होगा। बहुत जल्द हम लोग उसको केबिन में शिफ्ट करने वाला है। होगा सर, हम लोग निकलते हैं। अरे ऐसे कैसे जाएगा, आप उनका रिश्तेदार नहीं हो क्या? उसको तो हम लोग रास्ता से मिला था, तो इसलिए हम उसको मदद के लिए लाया था। हमको पहले से शक था, इसलिए मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो आता ही होगा। हाँ डॉक्टर साहब क्या बात है, क्यों बुलाए? सर देखिए, ये दोनों एक अनजान पेशेंट को लेकर आया है और वो भी प्रेग्नेंट, और सोचा कि मैं आपको बता दूं। तो उनका पेशेंट को मिलना पड़ेगा। चलिए सर। तुम दोनों यहाँ रुको। हाँ ये रहा पेशेंट। ओ पेशेंट ठीक तो है ना? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन माँ का हालत थोड़ा नाजुक है, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है चलिए बाहर जाके बात करते हैं। चलिए। अच्छा बताओ क्या बात है? सर मेरा नाम राजू है, मेरा टाटा मोबाइल फंस गया था, तभी ये सब हुआ है। हट गाड़ी साला, खराब होते रहता है एकदम। गाड़ी चला खराब होते रहता है एकदम। सदा भी सलाह खत्म हो गया। अरे अरे ये दुकान से आ गया। ओ ये गाड़ी आ रहा है, उसको ही लिफ्ट मांगेगा। रुको रुको आची, रुको ना आची प्लीज। क्या हुआ है? बेफ्लिज मेरा गाड़ी फंस गया है, ऊपर से एक प्रेग्नेंट लड़की मेरा गाड़ी में है। टोरस को मेडिकल पहुंचा दीजिए ना अच्छी। नहीं नहीं ये सब हम नहीं करेगा। उपाय नहीं क्या करेगा फ्लिज, टोरा मदद कर दीजिए ना, मेडिकल पहुंचाना है। ठीक है। तो इसलिए हम उसको मदद के लिए लाया था। तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे ना? सर सच है सर, झूठ क्यों बोलेगा? सच सच बोलो, अगर बाद में पता चलेगा झूठ बोल रहे ना तो देखो जेल ले जाके डंडी लगाएगा। होगा, तुम दोनों बहुत ही अच्छा काम किया है। अपना फोन नंबर पता नाम लिखवा के जा सकता है। हाँ लेकिन जब भी हम बुलाएगा तुम दोनों आना पड़ेगा, और शहर छोड़ के नहीं जा सकते हैं। कांस्टेबल ये दोनों का नाम और पता लिख लो। सर पेशेंट का कोई गार्जियन तो नहीं है, और इस हालत में उनको अकेला छोड़ देना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तब तो हम गार्जियन का पेपर मैम साइन कर देगा।
कल को अगर उसका कोई फैमिली वाला आएगा तो हम देख लेगा। चलिए सर केबिन में। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोग थोड़ा पेशेंट को देखभाल कर दीजिए, अगर उसका कोई गार्जियन कॉल करता है तो हमको इन्फॉर्म कर दीजिए। फिलहाल तो हम चलते हैं, थोड़ा कुछ काम है। आपका तबीयत कैसे है अभी? हाँ अब ठीक है। ओ वैसे आपका नाम क्या है? यापून। ओ वैसे आपका परिवार कहाँ रहता है? कुछ तो बताओ, अगर आप कुछ नहीं बताएगा तो आपका मदद हम कैसे करेगा? ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं बताना चाहते हैं तो ठीक है, हम कुछ ढूंढ लेगा और आपको आपका घर बेच देगा। प्लीज मेरे लिए ना सही, मेरे बच्चे के लिए ऐसा मत करो। सर। ओ सर आप आ गया, आइए सर। तो डॉक्टर साहब बताइए। सर उसका कंडीशन थोड़ा ठीक हो चुका है और मैं उसे डिस्चार्ज करने वाला हूँ, आप उसे ले जाइए। ठीक है, लेकिन हम उसका गार्जियन नहीं है, हम किसे ले जा सकते हैं? फिर भी सर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप देख लीजिए। तो बताइए कहाँ पर साइन करना है? यहाँ पे साइन कर दीजिए। डॉक्टर साहब तो अभी हम उसको ले जा सकते हैं ना? हाँ जरूर आप ले जा सकता है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है सर, आप आ गया। हाँ सुनो डॉक्टर साहब, तुम्हारा डिस्चार्ज कर दिया, अभी तुम कहाँ जाएगा? पता नहीं, यहाँ मेरा कोई नहीं है। एक काम करो तुम मेरा साथ चलो। हाँ ऐसे कैसे आपका साथ चला जाएगा और आपका परिवार क्या सोचेगा? तुम उसका चिंता मत करो, हम देख लेगा। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं है। सुनो अभी तुम्हारा तबीयत भी ठीक नहीं है, बच्चा भी छोटा है, तुम इसको लेकर कहाँ भटकते रहेगा? जब ठीक हो जाएगा तो चला जाओ। ये कुछ कपड़ा लेके आया, उसको पहन लो। चलो चलो। बच्चा तो ठीक है ना? ये मेरा घर है यार, चिंता मत करो, हाँ आराम से बैठो। हाँ जब तुम ठीक हो जाएगा, तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा तभी जाओ। हाँ यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम और मेरा दीदी रहता है यहाँ और बोनी, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम होने से हमको बोलो। हाँ हाँ दीदी तो आ गया, क्या बोलेगा, क्या बताएगा, कैसे बताएगा उसको? तकम तकम। हाँ हाँ दीदी। ये कौन है? ओ ये दोस्त का दोस्त है, ऐसे ही मेडिकल ट्रीटमेंट करने आया था, पहली बार टाउन आया ना, ऐसे ही घर दिखाने लेके आ गया। होगा दोस्त को लाया है तो काना उना की लाके जाने दो, हम तो ऑफिस का काम से बाहर जा रहे हैं। ठीक है दीदी, ये को निकल देगा। बोनी बोनी। हाँ तकम भैया। ये दीदी को ले जाओ ठीक है, और रेस्ट करने दो।
बोनी तकम का है? पता नहीं दे, तकम भैया कहाँ गया? रूम में होता होगा, बाहर से हम अभी आए। ठीक है, ये लो सब्जी, मेरे लिए एक ग्लास पानी ला दो। ठीक है तब तो, तुम जाओ, हम थोड़ा रेस्ट करने जाएगा। यपुंग कितना क्यूट है, मैं तेरा वो इतना क्यूट है, बिल्कुल मेरा चेहरा जैसे। तकम, तकम। हाँ हाँ दीदी। दरवाजा खोलो, अंदर कौन है? अरे ये क्या कर रहे हो अभी तक यहाँ में? तुम तो बोला था ये तेरा दोस्त का दोस्त है, कना उना खिला के जाने देगा बोला था, जाने नहीं देगा क्या इसको? दीदी चलो बाहर जाके बात करते हैं। इसका सामने बात करो, एक लड़की को इतना देर अपना रूम में क्यों रख रहा है, कौन है ये? चलो ना दीदी, चल ना दीदी, प्लीज प्लीज दीदी। दीदी आपसे हम झूठ बोला था, एक्चुअली एक पुलिस केस था, इसलिए हम उसको घर लेके आए हैं। उसका यहाँ में कोई नहीं है, जब वो ठीक हो जाएगा चला जाएगा। इसे किसे रहने देगा? अड़ोस पड़ोस लोग क्या बोलेगा? क्या पत्नी है, किसका बच्चा है, कुछ भी नाम आता पता नहीं, किसे घर में रहने देगा? कहाँ कहाँ मुँह मर के आया होगा, ऐसे औरत कम किसे मेरा घर में रहने देगा? दीदी होगा होगा, तुम जैसे चाहिए ऐसे करो, लेकिन कल सुबह तक जाने दो। तकम, तुम यहाँ में क्या कर रहे है? तुम वो लड़की के बारे में सोच रहे क्या? हम उसको देखने दिल नहीं है, किसका बच्चा है, कैसे जन्म दिया है, और तुम उसको कहाँ से उठा के यहाँ में रखा है? जल्दी जाने दो उसको, पड़ोसी लोग भी क्या क्या बोलेगा, हम देखने दिल नहीं है, उसको जल्दी जाने दो रे, नहीं तो हम निकल देगा घर से उसको। शर्म भी नहीं है, किसका बच्चा आराम से प्यार कर रहा होगा ये बंदर। अच्छा यपु, ऐसा घूमने जाएगा तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। हो जाएगा, हम जाएगा तो उमा का देखभाल कौन करेगा? उमा के लिए तो बोनी भी है ना, हम बोनी को बोल देगा ना, बोनी देखभाल कर देगा ना। नहीं हो जाएगा, आप चला जाओ। चलो ना। अरे अरे आप, जगमगाए
यापुंग हम तुम औरोंगा के लिए कुछ लेके आए। सॉरी हम इसको नहीं ले सकेगा। इसमें क्या हुआ है? ले लो ना प्लीज। नहीं ताकम, आप मेरा बहुत मदद किया है, हम आपको अभी और तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसमें क्या तकलीफ का बात है, हम तो तुम दोनों को अपना समझते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है इसीलिए आप ऐसा बोल रहे है, नहीं तो आजकल के जमाने में अपने ही अपनों को पराया समझता है। क्या तुम हमको पराया समझता है क्या? हम तो तुम दोनों को अपना समझता है। हाँ? ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये सच है। जब पहली बार तुमको हॉस्पिटल में देखा था तब से अच्छा लगने लग गया। क्या तुम नहीं चाहता है क्या कि तुम्हारा बच्चा को बाप का नाम मिले? मेरा जैसा औरत को कौन अपनाएगा जिसका कोई नहीं है, और वैसे भी आपका दीदी हमको पसंद नहीं करता, समाज आप पे उंगली उठाएगा। समाज? समाज तो हम लोग ही बनाता है, और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। और रही दीदी की बात, दीदी को तो हम मना ही ले गया। हम भी आपका साथ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या मेरा साथ जो हुआ है उसको जान के भी आप हमको अपनाना चाहेगा? हाँ यापू, तुमको हम अब अपनाना चाहेगा, पर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मेरा साथ thank you.
ए नो डॉक्टर निगम रे निपक नाकोगे चानेंगे नो रे काजो चातो चातो गांगुरा तेजम गांगुरा तेजम दोपे बिरी ए तालु बिरी सुका आतो आतो ओगो आगमगो मेंता गांगुरा तेजम डॉक्टर निगम बोलो लमते बका चाय के नाव मिंतम ताबे आपन के बसारी नगो आई सो सामुद कल कल नो कसो दोयात आप भी चलो हम लोगों का साथ कंपाउंडर जी सर इसको पकड़ो थैंक यू वेरी मच आज आपने बहुत मदद किया अगर आप नहीं होता तो काफी तकलीफ होने वाला था अरे कोई बात नहीं आप तो हम लोगों का मदद के लिए यहाँ आया है आपका मदद नहीं करेगा तो कैसा होगा वैसे आपका नाम क्या है यापुंग पर यहाँ पे सिर्फ आपको ही हिंदी बोलने वाला सुना है वैसे आप काफी अच्छा हिंदी बोल लेता है ऐसे ही थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ पर इतना खास नहीं आता है आप तो बेकार में ही मेरा तारीफ कर रहा है नहीं नहीं आप सच्ची में काफी अच्छा बोल लेते हो अगर आज आप नहीं होता तो हमको काफी तकलीफ होना था आपको काफी देर से देख रहा था प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए मदद कर दिया तो ठीक है चलो ठीक है चलिए अबू अबू डॉक्टर निगम मुंचापक पामी सितो के डॉक्टर जगम बनो चाप आई डॉक्टर जगम सलो लमा काकु बोलो ओगु अधिक आकु मासु आई क्या बोल रहा है आपका पिताजी डॉक्टर साहब अबू आपको ये बोल रहे कि आज प्रोग्राम में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुआ नहीं गमरा जी सब ठीक ठाक था थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था लेकिन यापुंग का वजह से सब सॉल्व हो गया अच्छा गमरा जी तो हम लोग चलते हैं नो सलू बोलो लमा कहानेंगे अगर आया पुकचो सोएंगे सका युपीला आरुनी अंतुना डॉक्टर साहब अब वो ये बोल रहे कि आज आप लोग बहुत थक गया होगा कल सुबह चला जाइए नहीं नहीं गमरा जी कल कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसलिए आज ही जाना पड़ेगा फिर कभी दिन मिलेंगे हम लोग फिर आएगा Thank you.
गमरा जी यपुं ओ माबू इन काते के अरे डॉक्टर साहब आप लोग वापस आ गया क्या हुआ कुछ हुआ है क्या हाँ हम लोग जब वापस जा रहा था लैंड स्लाइड होने की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया तो इसीलिए वापस आना पड़ा अच्छा है आप लोग वापस आ गया वैसे किसी को चोट तो नहीं पहुंचा नहीं हम सब ठीक है किसी को कुछ नहीं हुआ है अबुआ लम देगा यक तुम पयुक अरे आगा नहीं आते की ओम अबू डॉक्टर निगम ना आकर पुकने ना आए डॉक्टर साहब आने आपसे ये पूछ रहा है आप लोग वापस आ गया क्या हाँ गमरा जी हम लोग जब वापस जा रहा था बीच में लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था इसीलिए वापस यही आना पड़ा अल्लाह सुमाबा लमतंग मको को बोल अंग सुमाबा मको मादे मादे लसो दोंग सुमाबा उगु कामाना डॉक्टर साहब अब वो ये बोल रहा है कि जब तक रास्ता बंद है आप लोग यहाँ रह सकते हैं जब रास्ता खुल जाएगा आप लोग आराम से चला जाइए डॉक्टर जगम मुनम अचिन लोका तो जितला दमुत की ओ माबो गो जीरे यापुंग अन्ने हुगुला एरिक हुगुलो डॉक्टर अजी संगा ने कोबरी पचो बेरे मापलारी यापुंग अन्ने एरिक बोलम होतुंग रातुकी तालु अन्ना अजन गदा नेंगत एरिक से हतुंग हुइने पला निगम ननु चले अंकब अचले यकप नगय यपुंगा ए अने नना बु गद नगु बरे आलो आनी लाचो मिसर मे माजी टिके ओ माने तालु जामानी मिला ओ आदि नंगों आले मुब बात तोला रे कतला निगम यो पते बिन मतके यपुंगा अने नोका डॉक्टर निगम ला नंपम ये आदिग दमेन तेगमेन कोसो जाजिन अच्छा गोका के जीते बुके सेरम नगे आरम सो जाजिन जा निंग नगे अजिना जाजिन जा पुनुग नगे अजिना जाजिन जा ओ ओपो नगो तंतोला जाजिन जा मिरी नगो मिलाजु जाजिन जा हमिं पग नगो पगलाजु अरे डॉक्टर साहब आप उठ गया गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग आप लोग इतना जल्दी उठ गया हाँ हम लोग तो रोज सुबह उठ जाते हैं और तो और हम खेत भी जाके आ गया ये तो बहुत अच्छा आदत है सुबह सुबह उठकर काम काज करना सेहत के लिए अच्छा होता है ठीक है सर हम दोनों भी मॉर्निंग वॉक करने जाएगा हाँ पता है शहर में तो लोग सुबह 10 बजे से पहले कोई उठता ही नहीं और कोई कोई तो दिन भर सोता रहता है डॉक्टर साहब हमको भी शहर जाने मन है यहाँ गांव में रहने दिल नहीं है क्यों रहने दिल नहीं है डॉक्टर साहब मेरा भी कुछ ख्वाहिश है पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है शहर में रहना चाहता है घर हो परिवार हो अपना एक पहचान बनाना चाहता है अबू ऐसा कभी नहीं चाहेगा पढ़ाई भी करने नहीं देता है रोज सुबह उठना खेती जाना सुबह शाम काम करना ये सभी मेरा जिंदगी का हिस्सा बन गया ओ तो तेरा अबू को क्यों नहीं समझाता है यपुंग ननु उगुरी दुना डॉक्टर निगम ने अचिन दमु पने दमु मालो दमु तकी तेने का नो दो मु माबकी ओ माबू गो जीरे चलिए डॉक्टर साहब यपुंग
निगम ने ये उगलो पिन है मुनी तो लो अकर पेन और डॉक्टर साहब इससे मिलिए ये मेरा बचपन का दोस्त मैचारी है ओ डॉक्टर साहब अब कैसा है बस्ती कैसा लगा आप लोगों का गांव काफी सुंदर है बहुत अच्छा लगा है हमको अरे आप है ना मैचारी हाँ लेकिन क्यों होगा काम है तोरा आप दोनों घूमने जाइए हम भी जाएगा ठीक है फिर कभी दिन मिलेगा थक गया मैचरी तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना हाँ लेकिन क्यों ओ नहीं हम सोच रहा था कि मैचरी कोई लड़का होता होगा बोल के क्या लड़का डॉक्टर साहब हम तो लड़का दोस्त करता ही नहीं हाँ अगर मैचरी लड़का होता तो आप क्या करता तुमसे शायद कभी बात नहीं करना था और हमको बुरा लगना था हाँ लेकिन क्यों क्योंकि हमको तुमसे प्यार होने लगा है पता नहीं ये कब कैसे हो गया पर ये सच है हम तुमको बहुत पसंद करते हैं यपोंग कुछ तो बोलो कहाँ जा रहा है कुछ तो बोलो हाँ डॉक्टर साहब हम भी आपसे प्यार करते हैं
नदियाँ लहरा के दिल को कहीं ले जाए बलखाती पेड़ मेरी आँखों को लुभाए नदियाँ लहरा के दिल को कहीं ले जाए बलखाती पेड़ मेरी आँखों को लुभाए ये पत्ते सरसराती हुई जैसे मुझे कुछ कहे समझू मैं क्या कह रहा है ये कैसा गाँव है तेरा कैसा ये गाँव है ये कैसा गाँव है तेरा कैसा ये गाँव है कितना मिलता है दिल को चैन यहाँ कितना मिलता है दिल को चैन यहाँ दिल को चैन यहाँ एक ऐसा गाँव है तेरा कैसा ये Yapung, yapung, no golo angjin ay. Talu, ngorongo angjin, no ogolo angjin. Ngonyolong ay mo tumbe ang mabe, sudum sere mikar tabe ang mabe. Ngonyeme kocheng kocheng ang dube ngo doya pane ay. Talu, no ranam rasu rama. Babu ang ikula, babu ang ikula. Om om, ngo minam misu mima. Yapung, na kaki dirila, no daktur nyagam ka kocheng kocheng be ang kardu. Na mirikla kam kama, no nyi ibu kama. Keke, nyeme gubere nyulu gubere, nyeme koceng koceng be angki yela. Yapung. Hmm. Kal ham bechere se mila tha. Wo hamse pooch raha tha ki kya ham tumse pyar karta hai. और तो और वो ये भी बता रहा था कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हैं यपुंग तेरा साथ जिंदगी जीना चाहता है हम भी आपसे प्यार करते हैं और आपका साथ रहना चाहते हैं लेकिन मेरा अबू कभी नहीं चाहेगा कि मेरा शादी शहर में हो तेरा अबू क्यों नहीं चाहता है कि तुम्हारा शादी शहर में हो इसमें गलत क्या है डॉक्टर साहब मेरा अबू थोड़ा पुराना ख्यालात का सोच विचार रखता है आज से कुछ साल पहले गांव से एक लड़की का शादी शहर में हुआ था और बाद में पता चला कि उसके साथ बहुत गलत हुआ और वो गांव लौटकर कभी वापस नहीं आया ऐसा हुआ था क्या हाँ डॉक्टर साहब तब से गांव वालों का भरोसा शहर के लोगों से उठ गया इसीलिए मेरा अबू कभी नहीं चाहेगा कि मेरा शादी शहर में हो सुनो यपुंग हम तेरा अबू को समझेगा आप मेरा अबू को नहीं जानते वो कभी नहीं समझेगा आप अबू को कुछ मत बोलो नहीं तो वो हम दोनों को मार देगा ऐसे कैसे मार देगा बेल बकरी तोड़ी ना है
हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसमें गलत क्या है? मत रोए अपू, मत रो अपू, प्लीज मत रो, चिंता मत करो, हम तेरा अबू से बात करेंगे और हम उसको समझेंगे। आप अबू को कुछ मत बोलो, आप हमको ले जाओ अपना साथ, हम आपका साथ सहर जाएगा। तुम चिंता मत करो, ऐसा करने से तेरा अबू और गांव वालों का शहर वालों से भरोसा और उठ जाएगा, तुम्हारा नाम भी बदनाम हो जाएगा, और हम कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा वजह से तुम्हारा नाम बदनामी हो। अगर हम यहाँ से चला भी गया तो हम जरूर वापस आएगा तुमको लेने के लिए, तुम मेरा भरोसा रखो और मेरा इंतजार करना। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपका इंतजार करेगा, लेकिन जल्दी वापस आना, नहीं तो आप वो मेरा शादी तालू से कर देगा, अगर ऐसा होगा तो हम अपना जान दे देगा। नो, ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा मत बोलो, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए जरूर लौट के वापस आएगा, तुम मेरा भरोसा रखो, प्लीज मत रो, प्लीज 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 मत रो, हम वापस जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। अभी ये सब छोड़ो, अभी हम लोग जाएगा, अपना आंसू पोंछ लो। गांगपुरा, तलुबरी, सुका आतो, आतो, चो दोत। गांगपुरा, नम्मो काम मिंचे दोपे, ऐसे गो लम्ते बोलो तपाक नी कापा पीने हने, तपा मिने गे न्यपा नमको गे लम्ते गे मुको पुकु के हेजी, डॉक्टर न्यगम बुलाम अंगमु न्यातु कुने, उगुरिसे अंगसे काकुमा, बापु बे अंगमु न्यातु कु। एवं मिमा तलु। ए डॉक्टर ए सुमा बोलो सुमा बा नंपो मका कादर ला रेपो कतलो अंगमुन्या तुकु बापू बे अंगमुन्या तुकु बबे मिमा या तालो 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 तालो, तालो केले अंगले अंगले गांगबुरा हबे लोंगो अंगजी कुने आई यपुंग ये तालु क्या बोल रहा था? डॉक्टर साहब तालु बोल रहे रास्ता खुल गया, अभी आप लोग जा सकते हैं। क्या रास्ता खुल गया? ओ रास्ता खुल गया तो ठीक है सर, तब तो हम लोग कल चला जाएगा। ठीक है देखते कल। डॉक्टर निगम तलु इधर को मिंजे कम तरम मावना नो इधर को दोंगसो मुंपदे दोंगतले अंगसो कुमावा डॉक्टर साहब, अब वो ये बोल रहे कि तालू का बात को बुरा मत मानिए, आप लोग जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। डॉक्टर जी को मनोज यू मुझा तो किए कने पकुला का। डॉक्टर साहब अन्ना बोल रहे कि बहुत रात हो चुका है, आप लोग सो जाइए, और कल जाना है कि नहीं आप सोच लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब उठिए डॉक्टर साहब। यपुंग ये लीजिए पानी लीजिए। थैंक यू। आप ठीक तो है ना? ठीक है लेकिन थोड़ा सर दर्द कर रहा है, कल लेट से सोया ना इसीलिए। अरे ये दोनों कहाँ गया? पता नहीं, आपका कंपाउंडर सुबह सुबह कहाँ चला गया, साथ में नर्स को भी लेके चला गया।
और तेरा अने अबू? ओ, वो दोनों तो सुबह सुबह खेत चला गया। डॉक्टर साहब, आप तो चला जाएगा, आज के लिए रुक जाइए। हमको भी अच्छा लगेगा, वैसे भी आप कल चला जाएगा और फिर कब वापस आएगा, इसीलिए प्लीज आज के लिए रुक जाइए। हाय अबू, हम भी तुमको छोड़ के जाने दिल नहीं है, फिर भी जाना पड़ेगा। होगा, आज के लिए रुक लेगा। यपों, जब तुम हंसता है तो बहुत सुंदर लगता है। Oh no!
Yabong! Doctor! Yabong! Yabong! यपोंग वापस आओ यपोंग यपोंग डॉक्टर निगम नाले बंग सीव कुलग यपोंग ने का अबो जिंकी बाबा नाले बंग सीव कुलग अने अब यपोंग को छोड़ के जा रहे हैं आपका पास यपोंग का ख्याल रखना यपोंग का ख्याल रखना ये कैसा गाँव है तेरा गाँव है तेरा ये कैसा गाँव है तेरा गाँव है तेरा आपको नहीं अन्ना नांगो गाम को मिंसा दो दो हगु गाम को मिंतो मुआचला सुमु का दो बहनंग का दो नो डॉक्टर निगम योगु का मचो हे कान का मा ओगुरी पनो का यापुंग आई यापुंग अबु ओगु कुलाई ओगुरी पला Nunu mina mangote parotla namngo overire mangmatakla namngo patung patla herperai Abu 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 Yene toje tagadana tagama Yapungni achna chaktok jiba No alo ugo kam kamana alo achin jidu banai Yapungni Richi ripekla rimin patla No je ai he no danam jibai jima buku Yapung je ne ai no jidu bana No yapung I kaka jima kala mela He no kumangai no kuchakena kaka jima kala mela Temi maka dagam da machi ken No mile mane ni yapung Eno kumangai, ye ni gede maklori apa lah? Mecari, ane. Mecari, ngogam gam gom minde semu. Ngoga ya pung ni, no ajin yang kaje ni ala. Te ngoga ya pung denam kadu kuma, si cap ngoga teng kuma. No ajin yang serem ni ala, acu ke demu tega. Serem ni ala, acu ke jitu ke. Te abu si cap ngoga jimu kuma, denam acu ke jimu kuma. Tebe yagi pusuk tetopo. Ane, no yapung tenam ka dama gaila. Nyigam nyi meng pala, kabde gaila. Ngogu maya dobe. Nyigam doko no cempe. Ane, ngoce ama, yapung nyi kate kaje ka yapung ka cema ke hado. Nyigam cakur iku ke la mingde do. Ngo yapung yagi buka siuji kumaba. Iscapo ka tengku. Yapung doko edin ngoje. Kama buki ane. Ke ane, norungo eila ai. Macari. Eh ane. Moga amgam gua minta sama. Eh. Eh, ya punggale teka arah panjai baripa. Hmm. Hong no ajin yang alebe teu kapak tu ai. Eh. Ngu teu kapak nyomala. Gang bura, no ngam minglek panere. Nom guglek panama ba. Ijak yapung ane rongo engro, rongo engro dekelo. Nom agom gomen semela. Guglek panama ba.
Hogo ain akin koma. Nampo mangom hogo meda kudu. O ani aru. O yapung laga ba meda meda la. Doktor aku sana ma apur asar tabaku. No yapung de nana peri. Gang berat tajam. Ebe mingku bolo ngo yapung ni angalu ke kaca paneke ai. Ngo yapung ni nare. No yapung ya ngam te suridi te ma suridi. No yapung ni alebe mincel lana. Am talo. Ngo mencel simaba. Ngo abu ko nga abu menam am tamaba. Oglu ang duba. No e bolo de. O ngo sirum ne yapung ne mencel simaba. Ngo yapung ni nare. No yapung ni alebe mincel lana. Ngo te angse dopen nila. Ngo angji nila. Ke talo hai. Sirum ne yapung ne mencel simaba. Ke talu ai. Mecari ngo abunga talu do ku sang mu na pakadu ngo talu do ku sang nang ma ngo soka kire na be me ma beke ngo talu do ku sang nang ma ngo kire ma ya pong na be me ma beke no anga ka mu ma beke men ki duwe no ngo ga apu ga mang nama chima bolo ye ji ya do ba ngo dakte ni gam ni ye pak na ko angkel la me ker tejen mecari nga ang mutana Ebelo no ane bukama de sunyi babu enyilak. Yapung! Yapung baga kini belaka. Yapung, nama yang mengapa mana bay? Ko agung mana ayam apa? Agung matu ba? Alah ringwang jin.
कहेंगे तुझे, तू आजा मेरे प्यार मेरी गुड़िया, तू है जीवन का रोशनी मेरा। जैसे भी हो, जो भी हो, तुम और वो आपका हमेशा साथ में रखेगा। प्लीज ले लो ना, प्लीज प्लीज। अनाथ आश्रम है क्या? यहाँ जो भी आएगा आराम से काके जाएगा, किसी का बाप का कमा के रखा वाला नहीं है। हाँ काना, इधर दो बोनी। काना है तो बाहर से कुछ लेके आओ और खाओ। बोनी, ये दाइन को काना मत दो। हाँ जो भी आएगा बेकार में काके जाएगा, ये मेरा मेहनत से कमाया वाला है। तकाम तुम खाओ काना। जाने दो बेकार का लड़की को। तकम भैया खाना। तकम तकम बेटा, और खाना खाओ। हमको भूख नहीं है। तुम भी जाओ, ज्यादा एक्टिंग दिखाता है। तुम भी बेटा और खाना खाओ, तुम भी उन लोगों का जैसा करेगा क्या? लो कुछ खा लो ना, मत रोना। दीदी तो ऐसा ही है, लेकिन दीदी दिल का बहुत ही अच्छा है, वो सभी को ऐसे ही गाली देते हैं। हम उसको समझा देगा ना।
बिस्कुट खा लो प्लीज, मत रोना। मत रोना, जब तक हमें तुम्हें कुछ होने नहीं देगा, हम उसको समझा देगा ना। तुम और उमा को हमेशा साथ में रखेगा। आप भी कुछ नहीं खाए, खा लीजिए, खा लीजिए। अंगानी मदन सी है ये ला अंगानी। चुप दाई, क्या अंगांगा करता है, अपनी को इससे परेशान करता है। चुपचाप सो जाओ पालतू। यापोंग, यापोंग। हाँ। ओ आप। ओ क्या कर रहे हैं? उंगा सो गई है। ठीक है। ठीक है। हम ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है? बाद में खाना वाना खा लो। वो आप ऑफिस जा रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम होने से बोनी को बोल दो, ठीक है? ठीक है। बोनी। हाँ तकम भैया। हम ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है? तुम यापुंग और यापुंग का बच्चा को देख दो। ठीक है भैया। और मत घुमा दे, होगा ठीक है। बोनी। हाँ दीदी। तकम कहाँ है? तकम भैया बाहर गया। और वो दाइन जो? दीदी जो रूम में होता होगा। होगा। कहाँ गया ये लड़की? ये लड़की का कपड़ा मेरा भाई का यहाँ में क्यों रखा है ना? बोनी, 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 जल्दी एक बस्ता लाओ तो। लेकिन क्यों दीदी? लेके आओ तुम। ये लो दीदी। तकम भैया गुस्सा करेगा, दे आपको। गुस्सा करने दो, जो भी होता है होने दो, जो भी होता है होने दो। तुमको क्या हुआ यार? हम देख लेगा ना। कहाँ गया ये लड़की? तुम यहाँ में बैठ रहा है, जाओ जाओ, मेरा घर में और मत बैठो, जाओ। दीदी अरे ये बच्चा को भी हम देख लीजिए, जाओ जल्दी जाओ। दीदी ऐसा मत बोलो, हम कहाँ जाएगा, इतना छोटा बच्चा है, आप समझो। हम को पता नहीं, पता समझ नहीं आता, जाओ जल्दी जाओ जाओ। दीदी तुम मेरा भाई का लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, पूरा समाज को हर जवाब देना पड़ता है तुम जैसे लड़के। जाओ जल्दी जाओ, इसी का बाप को अपना बॉडी में लेके घूम रहे हो। जाओ जाओ, तुम मेरा भाई को बर्बाद कर देगा। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी 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 जल्दी। तकम भैया। बोनी चावल बज रहे क्या? खाना नहीं बनाया? हाँ खाना बना लिया तकम भैया। ओ लेकिन चावल खत्म हो गया था। यापुंग और उंगा खा गया? उंगा और यापुंग को दीदी निकाल दिया तो तकम भैया। क्या? हाँ भैया, अब जाने के बाद निकाल दिया उंगा और यापुंग को। कब गया? दो तीन चार घंटा हो गया। और दीदी कहाँ गया? दीदी काम से शहर से बाहर गया। तकम भैया आपके लिए खाना निकाल देगा। चलो
की दीदी में ना यपुक मरूंगा अभी कहाँ में वहाँ घूम रहा होगा। अभी हम कहाँ जाएगा मेरा बच्चा को लेके? बहुत भूख लग रहा है, मेरा बच्चा भी रो रहा है। अभी तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये दुकान से कुछ मांग के देखता है। दीदी कुछ खाने को मिलेगा? हाँ मिलेगा, ये देगा। ये ब्रेड हम तो सिर्फ खाने के लिए मांग रहा था, लेकिन ये दीदी तो पैसा मांगेगा होगा, अभी क्या करेगा? हाँ इतना दाम, ये लो। सामान तो मिल गया, लेकिन अभी क्या बोलेगा? दीदी मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं होने से हम ऐसे देगा क्या? दीदी ऐसा मत बोलिए ना, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। दीदी पैसा नहीं है, हम क्या करेगा? नहीं वो सब हम मालूम नहीं है, सामान वापस दे दो। दीदी प्लीज प्लीज दीदी दीदी दीदी। ए लड़की रुको रुको, गुड़ी
मुझको जन्म तो हाँ मैं दूंगी। अच्छा भैया, ये लड़की एक बच्चा पकड़ के घूमते हुए नहीं देखा है ना? नहीं देखा बाबू। नहीं देखा है ना? It's okay. And ये देखो, ये पीजी है और ये भी मेरे लिए एग्जाम, मैं भी एग्जाम ले लेता हूँ और जिंदगी में कभी चिंतित में नहीं होना, ठीक है? अरे मैं हूँ ना, मैं बड़ा भैया। अभी ये देख रहे हैं ना भैया, क्या ये ग्लास है ना? हमारा ग्लास जिंदगी है, इसका तरह हम है, इसका तरह हम है, बुन पान बुन करके ना, तोरा तोरा बुन करके ना भैया, बढ़ती हो जाएगा तो जाम बन जाएगा भैया। पानी डालो भैया, दारू का टेस्ट कुछ और ही अलग हो जाता है। बहुत प्यार करता है भैया उसको। भैया कहाँ गायब हो गया? चिंता मत करना मेरे भाई, जिस लड़की को आप ढूंढ रही है ना, आपको जरूर मिल जाएगा। मत रोइए मेरे भाई, मत रोइए, मैं हूँ ना परा भाई। ओ भैया जाएगा ना? बता जरा मुझे भैया, भैया मिल जाएगा ना आपको? पक्का मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। Thank you.
अरे तकम सर। ओ अरे कैसे है? हाथी के बहुत दिन का बन मिला है आपको, तो आजकल दिखाई नहीं रहता है, कुछ परेशानी है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा काम काज से परेशान हो गया था। ओ ये सब तो होते ही रहते। और सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या मैडम? आपसे बात कर रहा हूँ मैडम, मैं रास्ता से गुजर रहा था, यहाँ में तो कोई भी नहीं है, आप अकेला बच्चे के साथ बैठा है, कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बताओ, हम आपको मदद करेगा, वैसे तो हम अकेला है, आपको भी रखेगा बच्चे को भी रखेगा, चलिए चलो चलो चलिए चलिए आइए 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 आइए। यापों 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 कहाँ जा रहा है? तुम कौन है? तुम कौन है? तुम कौन है? तुम कौन है? कुछ भी लगता हूँ, तुम इसका क्या लगता है? हाँ आप उसका क्या लगता है? तुम उसका क्या लगता है? क्या शर्म नहीं है? बीबी और बच्चा को रास्ता में बतंगने देता है, समझ ले नहीं सकते तो शादी क्यों किया है? बसाने वाला को मार रहा है, चल भागो। जा रहा है बीबी को लेके, ये भी ले जाओ, बीबी को नहीं संभाल सकने वाला, ये समझ में ले जाओ। क्या दीदी हुआ? है दीदी रुक जाके बोलो। क्या हो गया तकम, तुम क्यों इतना चिल्ला रहे? आप नीचे नीचे आओ ना, आपसे बात कर रहे हैं, आप आओ ना आगे यहाँ में। तुम ये लड़की को फिर से लेके आ गया? आप नीचे 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 आओ ना। तुम रुको, हाँ हम आ रहे हैं। हाँ तुम इतना क्यों चिल्ला रहे, क्या हुआ है तुमको? तुम ये लड़की के लिए हमको ऊंचा आवाज में बात करेगा? क्या हुआ है? तुम ये गिरा हुआ लड़की के लिए हमको ऊंचा आवाज में बात करेगा? हाँ आप इसको घर से क्यों निकाले? क्यों नहीं भगाएगा इसको? गिरा हुआ लड़की है ना, क्यों नहीं भगाएगा इसको? क्यों निकालेगा आप? आप इसको देखे, ये एक बच्चा को लेके क्या बताते रहेगा? तो मरने दो ना इसको, हम क्या करेगा इसको? आपको तो मेरा खुशी बर्दाश्त नहीं होता है ना, आपको तो आपको तकलीफ हो रहा है ना, आपको तो ऐसा ही बोलेगा, आप ऐसा ही सोचेगा। नहीं नहीं जाने दो इसको, हम नहीं रख सकेगा इसको मेरा घर में, इसको सिर्फ जाने दो बस। ठीक है हम भी चला जाएगा, आप टेंशन मत लो, आपका साथ में बैठेगा ही नहीं और आपका घर में बैठेगा ही नहीं, दे जाएगा ना, हम भी चला जाएगा, आपका साथ बैठेगा ही नहीं और आपके साथ हम बैठना ही नहीं चाहते। तुमको ये दिन के लिए हम पाल पोस के बड़ा किया था, जब माँ पिताजी चौथा चौथा में चोर के मर गया था, इसी दिन के लिए तुमको हम पाला था, तुम थोड़ा सा भी याद है तुमको हम कितना तकलीफ करके पाला था? सुनिए तो सही, अब एक औरत है, ये एक औरत है, एक बच्चा को लेकर ये कहाँ भटकते रहेगा? हमको तो छोड़ दो, इसका लिए तो समझ सकता था ना, इसका दुख का बारे तो आप समझ सकता था ना, आपको इतना अंदाजा भी नहीं कि इसको कितना तकलीफ होगा, हम इसको बहुत प्यार करते हैं। तुमको यही मिला था प्यार करने के लिए, दुनिया में इतना लड़की है, तुमको यही मिला था प्यार करने के लिए। चलो मेरी किस्मत सही ना, आपका पास आया है, आप तो समझ देगा वो सोचा था ना, अब तुम मेरा माँ दीदी सब कुछ है ना, आप तो समझ देगा वो सोचा था ना। तुम अभी इतना बड़ा हो गया कि तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं,
तब तो हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन बात में कुछ भी प्रॉब्लम होता है बोलने से, हमको दीदी है बोल के हमको कुछ नहीं बोलना है। हाँ दीदी, आप जैसे मेरे बारे में सोच रहे हम वैसा नहीं है। हम अपना तरफ से पूरा कोशिश करेगा ताकम को और आपको खुश रखने के लिए। ठीक है चलो। ओ तकम जी यहाँ पे है। अरे आप उठ गया। हाँ उठ गया। हम तो सोच रहा था कि आप अभी तक सो रहा होगा। एहसास मेरा बराबर ही आ रहा है, बहुत दिन का बाद। हम बहुत खुश है। तुम मेरा एक काम कर दो, अच्छा से खाना बना रख दो। जी हाँ। वैसे आपको लेट नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है। ठीक है अब जाइए। जाएगा। दीदी दीदी देखो कौन आया है। दीदी क्या हुआ था काम? देखो हम किसको लेके आए। अरे मेरा भाई आ गया। तुम आ गया, तुम कैसे है मेरा भाई? तुमको इतना दिन से मिस कर रहा था हम। तुम ठीक तो है ना मेरा भाई? बोनी बोनी। हाँ दीदी। देखो कौन आया है, मेरा भाई आ गया। जाओ सबको बुलाओ और पानी लेके आओ। ठीक है दीदी। सुनो मेरा बात सुनो। मत छू हमको। सुनो मेरा बात। तुमको पता नहीं क्या हुआ था उस दिन मेरे साथ जब हम गांव से लौट के आए थे। मत छू हमको। सुन लो मेरा बात प्लीज। ये लड़की को क्या हो गया? इस लड़की को पहले से जान जाएगी। हमको कुछ नहीं सुनना है। देखो तुमको जानता है। हम मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। सुनो यप्पू, ऐसा मत रो। तुमको पता नहीं क्या हुआ था उस दिन जब हम गांव से लौट के आया था। सुनो मेरा बात प्लीज। सुन लो मेरा बात। ऐसा मत करो। तुमको पता नहीं जब हम गांव से लौट के आया था क्या हुआ था मेरे साथ। एक बार सुन लो प्लीज। हाँ बोलो। डॉक्टर सर जल्दी चलिए। कंबोडर। जी सर। बहुत माथा दर्द कर रहा मेरा, यहाँ कहीं रुका लो। ये पानी चला ना आई नंपम नि मंगम नारित गनिबे मोगा यापुंगनी नारित गनिबे मोगा यापुंगनी जंगन्यालाई
तालो उगुला तालो डॉक्टर निगम बना बके दुनिया पाके डॉक्टर निगम कले कले बापू पाके तालो बाओ उगुला Nyagam, jama, muto, muto. Nongo kan nyemen asengan nari itu beri pai, ugu be beri pene. Kau gitu lu, kau gitu lu, telu, telu. Kampanar, sir kok kau gana? Ini late ho gaya. सर को क्या हो गया ना चलो जाके दिखेगा चलो ठीक है चलो दुनिया आलो ताबे अंगिला ना तुम लाई मोसो ताबे अंगि ने पेलाई Sirap to. Doktor Sab. Doktor Sab. Aku malah lingmu nyato. Ngok ya pungnyi nane nga. Lepa leku nyi seter nyato. Ngok ya pungnyi nane nga. Lepa belo seter to. Nyapa nampam ka canya la. Ngok ya pungnyi nane abwe. Ingpu nyapa ai. Kle, ang nyalak. Sir! Sir! Doktor Sir! Sir! Doktor Sir! Wo dekho Doktor Sir, Sir wahan pe. Yapung! 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 क्योंकि हमको तुमसे प्यार होने लगा है हम तो तुम दोनों को अपना समझता है तुम दोनों के साथ हमेशा रहना चाहते हैं तो मेरा भाई का लाइफ को बर्बाद करने आया है हाँ पूरा समाज को हम जवाब देना पड़ता है तुम जैसे लड़की के लिए जाओ जल्दी जाओ यापोंग रुक जा वापस आओ यापोंग वापस आओ यापोंग यापोंग बनाया
हमने दिल को तेरे हवाले, जग छोड़ा 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 तूने जग छोड़ा मेरे यारा, तूने जग छोड़ा मेरे यारा। ओ तेरे भरोसे कर लिया हमने दिल को तेरे हवाले, ओ तेरे भरोसे कर लिया हम तेरे हवाले, जग छोड़ा 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 तूने जग छोड़ा मेरे यारा, तूने जग छोड़ा मेरे यारा। कैसा खेल खेला हम सब के साथ, यपों को हम सबसे क्यों छीन लिए जबकि हम सब ने यपों को समझा ही नहीं था, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों।